उत्तराखंड में भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार तो बना ली, लेकिन नतीजों से पहले कई प्रत्याशियों ने भीतरघात का आरोप लगाया था, जिसके चलते अब भाजपा 23 सीटों पर मिली हार की समीक्षा करेगी। इसके लिए पार्टी ने 12 पदाधिकारियों को भी नियुक्त किया है। 29 मार्च यानी कि कल से भाजपा नेता विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे और 1 अप्रैल से पहले अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंपेंगे। माना जा रहा है कि समीक्षा रिपोर्ट के बाद एक्शन और विवाद का समाधान हो सकता है। बताया भी जा रहा है कि पदाधिकारी इन विधानसभा क्षेत्रों में 3 तरह की बैठक करेंगे, जिसमें सामूहिक बैठक होगी, टोली बैठक होगी और चर्चा बैठक में कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत की जाएगी। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार तो बना ली है, लेकिन अभी भी कई प्रत्याशियों की ओर से भीतरघात का आरोप लग रहा है। और पंकज राणा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, 3 तरीके की बैठक अब करने के लिए मन बनाया गया है, जिसमें सामूहिक बैठक है, टोली बैठक है, चर्चा बैठक है, क्या इसके मायने हैं, कौन कौन इन बैठकों में मौजूद रहेगा? देखिए गुंजन, भाजपा चाहे हार हो या जीत हो, उसके बाद समीक्षा जरूर करती है कि क्या कारण रहे हैं कि हार हुई है, और जीत को लेकर भी तमाम तरह की समीक्षाएं की जाती हैं। इसमें भाजपा की जो 23 ऐसी सीटें हैं जिन पर भाजपा को हार का सामना करना पड़ा है, उन सीटों पर भाजपा समीक्षा करने जा रही है। इसके लिए भाजपा ने 12 पार्टी के संगठन के बड़े पदाधिकारियों को जिम्मेदारी दी है, जो 23 विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे। ये कल से समीक्षा का दौर शुरू हो जाएगा। और एक जानकारी ये भी है इसमें कि 1 अप्रैल तक सभी जो 12 पदाधिकारी हैं वो 23 विधानसभा सीटों की समीक्षा कर लेंगे, और 4 अप्रैल को जो संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष, उनको ये रिपोर्ट दी जाएगी। ये इसलिए भी क्या किया जा रहा है क्योंकि जिस तरह से पार्टी के अंदर भीतरघात के आरोप लगे थे, जिस दिन मतदान हुए थे, मतदान के बाद से ही पार्टी के कई नेताओं ने भीतरघात के आरोप लगाए थे, उन्हीं आरोपों के बाद ये समीक्षा का दौर शुरू होने जा रहा है। हालांकि जिन नेताओं ने आरोप लगाए थे भीतरघात के, वो उनमें से अधिकांश सीटें भाजपा जीती है, लेकिन कुछ सीटों पर भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से भाजपा इस समीक्षा को करने जा रही है। कल से ये समीक्षा की जाएगी। इसमें 3 दौर की बैठकें इसमें की जाएंगी, टोली बैठक होंगी, चर्चाएं होंगी, विधानसभा स्तर पर जो भी प्रत्याशी और जो उनके साथ काम करने वाले तमाम लोग थे, पूर्व प्रत्याशी थे जो दावेदारी कर रहे थे, उन तमाम लोगों से पार्टी संगठन के बड़े नेता बातचीत करेंगे और उसकी एक रिपोर्ट विस्तृत रूप से तैयार की जाएगी और फिर केंद्रीय नेता को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। तो ये इस ओर इशारे कर रही है कि पार्टी संगठन अपने स्तर से हार वाली सीटों पर अपनी समीक्षा करेगी, ताकि उनके कारणों का पता लग सके और ये जानकारी लग सके कि पार्टी के अंदर भीतरघात हुआ भी है या नहीं हुआ है, या जिन नेताओं ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं वो गलत साबित हैं। तो इन तमाम चीजों की रिपोर्ट के बाद संगठन महामंत्री, जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री है बीएल संतोष, उनको रिपोर्ट दे दी जाएगी। और किसी भी सीट पर यदि ऐसी संभावना जताई गई कि उन पर भीतरघात हुआ है या किन्हीं कारणों से किन्हीं लोगों ने, जो पार्टी संगठन के लोग हैं, उन्होंने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ काम किया है, तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है। ये अभी समीक्षा का दौर होगा, समीक्षा को रिपोर्ट सौंपनी है। तो क्या लग रहा है, इस रिपोर्ट के बाद क्या जो विवाद चल रहा है उसका समाधान हो जाएगा, जो नाराजगी चल रही है उसका समाधान हो जाएगा? देखिए, ये कह पाना बड़ा मुश्किल हो पाएगा क्योंकि पार्टी के अंदर हार हुई है और जिन नेताओं ने भीतरघात के आरोप लगाए थे वो अभी भी खुलेआम तो नहीं, लेकिन अंदर खाने पार्टी पर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि संगठन के बड़े नेता यानी केंद्रीय नेतृत्व यदि इसमें हस्तक्षेप करते हैं, वो उनको कहते हैं कि भाई जो भी हार हुई है, हार के कारण ये रहे हैं, आप पार्टी पर किसी भी तरह के आरोप नहीं लगाएंगे, तो निश्चित तौर पर इन तमाम चीज़ों को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा और उनको मनाने की भी कोशिश की जाएगी कि अब इस तरह के आरोप ना लगाए जाएं। तो अभी क्योंकि समीक्षा होना बाकी है, समीक्षा